हेलो व्यूअर्स, आज आपको इंट्रोड्यूस कराएंगे एक ऐसे पशुपालक से जो तकरीबन अंकल की एज कितनी है और कितने टाइम का इनको टोटल एक्सपीरियंस हो चुका है पशुपालन में। लगभग जो मैंने इनसे बात करी 45 इयर्स का इनको तजुर्बा हो चुका है और 45 इयर्स से कंटिन्यूटी में ये डेयरी फार्म कर रहे हैं, तो इनको मैं एक सक्सेसफुल डेयरी फार्मर ज़रूर कहूँगा। क्योंकि जो डेयरी की सिचुएशन है आज की डेट में, मैं बार बार अपने वीडियोस में रिपीट करता हूँ कि अगर 100 में से जो सक्सेस रेशियो ऑफ डेयरी फार्म इज हार्डली 1%, 1% लोग ही पास हो पाते हैं, बाकी सब फेलियर होते हैं। डेयरी फार्म की अगर जहाँ तक बात करें, फेल होने के रीज़न क्या रहते हैं, क्योंकि जिस व्यक्ति को 45 साल का अनुभव हो वो सारी चीज़ें, वो बहुत लंबी जर्नी उन्होंने पास की है और क्या ये खिलाते हैं, और अभी थोड़ा सा अंकल की हेल्थ अच्छी नहीं है तो उस वजह से ये डिस्पोज ऑफ कर रहे हैं अपनी काउस को। इस तरह से होलिस्टन गाय के साइज़ में इन्होंने रखी है, आप देख सकते हैं ये बछड़ी और ये भी ये। तो इनसे बात करेंगे कि इनका जो अनुभव रहा है आज तक का पशुपालन में, क्योंकि दूध बेच के इन्होंने शायद अपने मदर फादर को बचपन में ही खो दिया था और बहुत अर्ली एज में, 12 साल के अंकल जब थे तो मदर एक्सपायर हो गए थे, फादर नहीं थे, तो उससे अपने कंधों पे जिम्मेदारी अपनी बहनों की भी लेके और इन्होंने आगे बढ़े, कैसे इनकी जर्नी रही वो इनसे बात करते हैं। नमस्ते अंकल, आपको इधर आना पड़ेगा। अंकल अपने बारे में कुछ बताएं, अगर कोई डेयरी फार्म शुरू, पहले तो अपने बारे में बताएं, आप कितना तजुर्बा हो गया, कितना लंबा टाइम हो गया आपको काम करते हुए। मेरे को तो कम, थोड़ा जोर से बोलना पड़ेगा, कम से कम 55 साल हो गए मेरे को। 55 साल, 55 जी, 55 साल हो गए, 50 और 5 जी जी, 55 साल हो गए मेरे को। और मैं वेटरनरी का कोर्स किया था, और मेरे को तो ऑफर भी आए थे कि यहाँ वेटरनरी में पोस्ट थी खाली, मेरे मैं नहीं ली वो पोस्ट, और पशुओं का काम किया मैंने। तो आपका रुझान पशुओं की तरफ कैसे बना? ध्यान तो बचपन से ही था, क्योंकि माता पिता मेरे काल हो गए, डेथ हो गई उनकी, तो मैंने एक गाय ले आया था कांगड़े से, बस उस गाय को देख के मेरे को कुछ अजीब सा लगा कि ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है और बढ़िया काम है, परिवार पूरा खाता पीता भी है, साथ में बिकता भी है दूध, बस उस दिन से मेरे को लगाव हो गया पशुओं से। तो उस दिन के लगातार आपके पास लगातार पशु मेरे पास कभी भी नहीं, 11-12 इतने पशु रहते थे। वाह बहुत बढ़िया। तो अंकल आप बताइए कि अगर किसी को डेयरी फार्म शुरू करना हो, आज की डेट में बहुत सारे लोग डेयरी फार्म शुरू करते हैं बट वो पास नहीं हो पाते डेयरी फार्म में, इसलिए नहीं होते, वो नौकर से काम लेते हैं, आप नहीं करते, जो आप प्रैक्टिकल करता काम उसको नॉलेज होता है जी। नौकर को क्या नॉलेज है, उसने तो दिहाड़ी लगानी है, दिहाड़ी लगा के चला गया, क्या पता क्या कमी है, शाम को पशु ने पानी पिया कि नहीं पिया है, उसने तो अपनी ड्यूटी खत्म कर दी, तो उसमें प्रॉब्लम आती है पशुओं को, ज़्यादातर खाने में प्रॉब्लम आती है, पशु को चारा डालने में नौकर ने तो डाल दिया, ये नहीं पता कोई बड़ी गाय है कोई छोटा बच्चा भी है साथ में, उनको प्रॉपर कैसे डालना है वो मेरे को पता है कैसे डालते हैं हम। तो व्यूअर्स देखिए अंकल ने कितनी समझदारी वाली बात की, और ये क्रक्स ऑफ द स्टोरी है, मैक्सिमम रीजन डेयरी फार्म का फेल होने का है डिपेंडेबिलिटी ऑन लेबर, सबसे बड़ी बात, सबसे बड़ी फेल होने का कारण ही। अच्छा अंकल अगर हम डाइट की बात करें तो आपके पास कितने लीटर तक की गाय आपने रखी है अभी तक? मेरे पास 22, 23 और 25 लीटर की गाय थी जो मैं बेचनी है, बवार ने डेयरी में मेरी गाय गई है 25 लीटर वाली गई। बहुत बढ़िया। तो 25 लीटर की गाय की अगर हम बात करें अंकल की, अगर मोटा मोटा हम बात करें कि एक 15 लीटर एवरेज आती है दूध की, तो कितनी बचत इंसान को हो सकती है डेयरी फार्म से? तो इस टाइम से मैं तो डाइट का हिसाब इतना नहीं लगाया था जी, जितना कि 3-4 kg एक टाइम की डाइट डालता हूँ जो बढ़िया दूध देती जी, है जी जी जी। और खाने को मेरे पास हरा चारा काफ़ी होता, क्योंकि जब हरा चारा ठीक है तो डाइट नॉर्मल डालनी चाहिए, तो क्योंकि हरा चारा मेरे पास काफ़ी होता है 24 घंटे, और मेरे 6 महीने 6 रुते हरे चारे से टाइम चलता। तो कभी अंकल आपकी गायों में कोई समस्या आई, प्रॉब्लम आई, जैसे थनैला रोग जो मेन रोग है, थनैला बहुत हार्म करता है पशुपालकों को, उसका क्या इलाज आप करते हैं? थनों को रोग आता तो मैं आप इलाज करता हूँ। क्या इलाज करते हैं आप? जैसे कड़वी सौंफ होती है जी जी, उसको साथ में इसमें कभी भी जैसे सौंफ बोलते हैं, सोवे बोलते हैं, अजवाइन बोलते हैं, जैसे ठीकरी निसादर है इसका काढ़ा बनाना पड़ता है, क्योंकि नींबू डालने पड़ते हैं, चीनी डालनी पड़ती है, इसका काढ़ा बनता है, और काढ़ा बन के पशु को दो, बंद थाना होगा वो भी चलेगा।
ये इलाज करते हैं, क्योंकि हम ऐसे करते हैं जब गब्बन गाये तो उसको काढ़ी रहने शुरू कर देने और उसकी ठण की चुआई शुरू कर देनी, जो गंध निकलता है निकाले जाओ। बहुत बढ़िया। और अंकल अब एक और चीज बताइए, 15 लीटर वाला अगर पशु कोई है आपके हिसाब से वो कितना पैसा एक फार्मर को किसान को छोड़ के जाता है, या दूध का रेट क्या होना चाहिए आज की डेट में? आज की डेट में तो 60 के ऊपर ही जाता है दूध का रेट, अगर क्योंकि आज ऐसी स्थिति आ गई है, खुराक बहुत महंगी है, चूड़ी बहुत महंगी है, और आजकल डेयरी फार्म वाले तो चूड़ी खिलाते हैं जी, तो उसका टोटल करके देखना है और शाम को उसकी प्रोग्रेस निकाल के देखो गाय क्या देती है। तो आपके हिसाब से अंकल अगर 15 लीटर वाली पशु की बात करें तो कितना आमदनी छोड़ के जाती है एक पशुपालक को दिन का, क्या कभी ऐसा आपने गुणा भाग किया? क्योंकि मेरे पास ऐसा होता है कि 30-40 हज़ार का दूध बेचता हमें जी जी, तो मेरा पास ऐसा कि 15 हज़ार का मैं पशुओं को खिला देता था। वाह, सारा टोटल तो मतलब 15 हज़ार 40% आप खिला देते थे पशुओं को। तो देखो अंकल ने एक मोटी सी बात बता दी कि जितनी आपकी कमाई है 40% आपका पशु खाएगा। तो अंकल कोई आपका सुझाव हो हम जैसे लोगों के लिए? जैसे गब्बन गाय है जी, लोग चारा बंद कर एक या ना डाइट बंद कर देते हैं, मैं डाइट बंद नहीं करता। बहुत बढ़िया, ये व्यूज इस चीज को ध्यान से सुनिएगा, सारे जो सक्सेसफुल फार्मर आपको यही बात करेगा, जब आपका पशु ड्राई होता है तो उसको डबल फीड दो, क्योंकि वो एक तो बच्चा तैयार कर रहा है जी, उसके खून से जा रहा है, साथ में अपनी सेहत बना रहा है, साथ में कीड़ तैयार कर रहा है, कैल्शियम बनता है उसका पहली दफा, तो वो कैल्शियम होता है। जैसे गाय को पूरी को खाली कर दिया तो गाय बैठ जाती है, कईयों की बैठी है यहाँ गांव में, मैं सबको ये बोलता हूँ कि सवेरे चोई है थोड़ी चोवो, दोपहर को चो लो, शाम को 3 टाइम चोवो पशु को। और कोई दिक्कतें अंकल आपको पशुपालन में आई हूँ आज तक? मेरे को तो आई भी तो मैं तो हल कर लेता हूँ। बहुत बढ़िया। तो अंकल कौन सी गाय हमारे इलाके के हिसाब से सूट करती है, जर्सी करती है या ब्लैक एंड व्हाइट होल्स्टीन करती है? ये बात है ना, एक तो ये ठंड बहुत मनाती है हिमाचल में जी जी जी, तो इनके रखने के लिए हम तो बहुत कुछ देखना पड़ता है, अंदर बनने कैसे है क्या करना चाहिए, गर्मियों में पंखे लगाया, खराटा है मेरे इस तरह से, ये शेड है जी, वो आगे मशीन है, चारा देखो जाके मशीन के पास बिल्कुल बिल्कुल पड़ा हुआ। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, तो इस तरह से सारा रख रखाव करते हैं आप। हाँ जी। तो और 60 रुपीज आज की डेट में दूध बिकना चाहिए अगर आपको कामयाबी लेनी है तो। और अंकल हर साल गाय का बच्चा लेते हैं आप, जैसे बयाने बोलते हैं कि हर साल अगर बच्चा हो तो आपका डेयरी फार्म कामयाब है, इसके बारे में आपका क्या विचार है? वो देखो बछड़ी तैयार कर ली मैंने जी, परली बछड़ी भी तैयार की जी बिल्कुल। हाँ ऐसे ये तो बेचने लायक कि मेरे से संभाली नहीं जाती है, हर साल बच्चा, हर साल बच्चा लेते हैं आप? हाँ हर साल। तो व्यूज ये भी बड़ी इम्पोर्टेंट है, पिछले साल में 3 गाय बेची। क्या बात है, अपनी गाय बेची। तो अंकल से हम लोगों को 1.5 लाख के पशु मेरे हर साल चले जाते। अंकल से हमें इंस्पिरेशन लेनी चाहिए कि अगर हम किसी काम को शिद्दत से करते हैं तो फेल होने के चांसेस नहीं है। यूट्यूब पे जानकारी मिलती है बट उस जानकारी को आप प्रैक्टिकली कैसे इम्बाइव करते हो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। खाली वीडियो देख के कोई डेयरी फार्म नहीं होता, जब तक आप पशु के साथ पशु नहीं बनाओगे या गोबर नहीं उठाओगे तो आपका कामयाबी होना बहुत ही मुश्किल है। एटलीस्ट अगर आप अच्छा पशुपालन करते हैं तो आपको 6 महीने खुद कंट्रीब्यूट करने चाहिए, गोबर से लेके सफाई से लेके मिल्किंग किस तरह से करते हैं वो सब आपको नॉलेज होना चाहिए। तो व्यूअर्स उम्मीद करता हूँ अंकल का जो एक्सपीरियंस है, अंकल ने जो शेयर की चीज़ें उनको नज़र रखते हुए अगर कोई डेयरी फार्म करना चाहता है तो वो उनको सुझावों को अडॉप्ट करेगा, और जो कर रहे हैं उनको भी ये देखना चाहिए कि हम पर्सनली जितना ज़्यादा इन्वॉल्व होंगे इस व्यवसाय में तभी सक्सेस हो पाएंगे, अदरवाइज़ बहुत मुश्किल है। थैंक यू अंकल।